नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। इस वक्त एक बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। तस्कर मनीष तिवारी से जुड़ी हुई यह खबर मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त जो खबर है वो बताया जा रहा है कि कल मनीष तिवारी का बंगला, कोठी और गोदाम को पुलिस प्रशासन जमींदोज करेगी। जिस तरीके से पूरा मामला संज्ञान में आया था, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तकरीबन इंदिरा नगर में एक गोदाम पर कई क्विंटल डोला चुरा छुपा, उसके बाद पुलिस ने यहाँ रेड मारी थी और यहाँ से तस्कर मनीष तिवारी के गोदाम को सील किया था। उसके बाद यहाँ से उसके साथी जो चौकीदार है गोपाल, उसको यहाँ से हिरासत में लिया था। उसके बाद गोपाल ने कई तरीके के राज खोले थे, जिसके बाद तस्कर मनीष तिवारी के घर पर दबिश दी थी, जो इंदिरा नगर में 36 में है वहाँ पर दबिश दी थी। और तकरीबन वहाँ से कई महत्वपूर्ण जमीन के दस्तावेज और सोना चांदी भी जब्त किया था। तो इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे और एक डायरी जब्त की थी जिसमें कई तस्करों के नाम होने शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने अजमेर से एक तस्कर को गिरफ्तार किया था बीती रात, जिसका नाम नरेंद्र सिंह बताया जा रहा। उसने भी कई तरह के राज खोले। तो वहीं इस वक्त की जो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि तस्कर मनीष तिवारी का जो कोठी है, जमीन है, उसको जमींदोज किया जाएगा। तो दूसरी बात की जाए तो इसका साथी जो चौकीदार गोपाल था वो 20 जुलाई तक रिमांड पर था। साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार अफीम इस तस्करी के मामले में जिस मनीष तिवारी के जो चौंकाने वाले खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं, वो बड़े ही चौंका देने वाले हैं। साथ ही इस वक्त जो हमारे पास खबर आ रही, कल जमींदोज उसकी कोठी और गोदाम किया जाएगा। वहीं एक कई तस्कर की सूची जो पुलिस को मिली थी, उसके बाद लगातार पुलिस एक के बाद एक तस्कर को दर दबोच रही, जिसमें एक नरेंद्र सिंह रावत भी है जिसे अजमेर से गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।